हेलो वेरी गुड इवनिंग क्या हाल है आप सभी के आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार में और आज सुबह की मेरी पहली क्लास है हाँ संडे को एक्चुअल में पता नहीं कल रात को जुखाम सा हो रहा था तो मैंने मेडिसिन ले ली मेडिसिन ले ली तो वो मतलब बुखार भी हो गया ठीक <laughs> है तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो तीन बजे थी वैसे तो लेकिन अब फिर मैंने कहा यार रात को लेते हैं आराम से तसली से चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के रेलवे एग्जाम्स में प्राइम नंबर रेलवे एग्जाम की बात तो नहीं है खैर लेकिन अगर मैं कोई भी एग्जाम बात करूं जैसे कि हर एग्जाम की बात करूं तो ये जो प्राइम नंबर को है ना एक रूढ़ संख्या भी बोलते हैं और इस पर क्वेश्चन आना ही आना है मतलब कह सकते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप ले लो नंबर सिस्टम की अगर आप बात कर लो बट प्राइम नंबर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है तो आज हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे साथ के साथ में आज हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या और चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए आइएगा शुरुआत करते हैं हाँ ठीक है आइए शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों के लिए प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उससे पहले बता देना चाहता हूं मैथ्स बाय साहिल सर ये आपका टेलीग्राम चैनल है और क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल ये भी आपका टेलीग्राम चैनल है आप अगर ए एल पी टेक्नीशियन एन टी पी सी जूनियर इंजीनियर लेवल वन मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो ग्रुप डी होता है इनकी सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी की तैयारी के लिए आप, आपको अलग अलग पैसा नहीं खर्च करना आप रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच से जुड़ सकते हैं जिसका नाम आर आर बी बैच है आर पी एफ ए एल पी टेक्नीशियन एन टी पी सी सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा मेरा फाउंडेशन साइंस का फाउंडेशन जी के का फाउंडेशन रीजनिंग का फाउंडेशन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सब आपको मिलने वाला है और ये सब कुछ आपको ऑफर में मिल रहा है आपको अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर को और हमारे साथ जुड़ना है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता अगर आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है तो या फिर या तो वो आपकी फिरकी ले रहा है और बस तो फिर की मत दीजिए आप अपनी और साथ के साथ अगर आप अकेले मैथ का लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ़ाउंडेशन एक ऐसा नाम है जो आपको जनरली दुनिया भर के टीचरों के थंबनेल पर दिख जाएगा फाउंडेशन और फाउंडेशन की इज्जत को उड़ा देते हैं कुछ लोग जो फाउंडेशन लिख देते हैं कि मैथ फाउंडेशन लिख दिया ठीक है लिख दिया तो इस फाउंडेशन में क्या खास बात है फाउंडेशन लिखने के साथ साथ फाउंडेशन की तरह पढ़ाना भी पड़ता है तीन से चार महीने में अगर कोई आपको फाउंडेशन करवा रहा है तो सिवाय वो बेवकूफ बनाने के कुछ नहीं कर सकता तो फाउंडेशन जो बैच है वो हमेशा क्वालिटी के ऊपर मेजर होता है आप लोग अगर जीरो लेवल से गणित को सीखना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन करें साथ के साथ में आपको जब एक बार आपने इस बैच को पढ़ लिया तो उसके बाद में आपको रेलवे के जो भी एग्जाम हो या एस का कोई भी एग्जाम हो दोबारा कभी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ये फाउंडेशन बैच की जो प्राइस है वो सात सौ बहुत कम है अभी ऑफर में ये छः सौ निन्यानवे आपसे ली जा रही है ये कम है प्राइस क्योंकि जब आप उस बैच को देखोगे तो क्वालिटी मिलेगी सर क्या है उसमें फ़ायदा हमें लेने का वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा लेकिन जो वीडियो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं आज से आप लोगे तो आज से जैसे आज, आज आपने लिया रात को तो आज से एक साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी एक साल की वैलिडिटी आज से आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी पढ़ो और लाइव जो चलता है वो सुबह नौ बजे चलता है और जो लेक्चर होते जाएंगे से कल सुबह नौ बजे लेक्चर होगा तो वो जब हो जाएगा तो वीओडी में चला जाएगा ऐसे ठीक है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे आप छोड़ जाना आइए प्राइम नंबर किसे कहते हैं आप लोगों में से कोई भी अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर तो आप मुझे बता पाएंगे क्या कि प्राइम नंबर की एक छोटी और स्मार्ट और कह सकते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट एंड स्वीट के अभाज्य संख्याएं कहते किसको हैं अभाज्य प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं होना एक अलग क्राइटेरिया है किसी भी संख्या के लिए एक एक कह सकते हैं कि एक प्रिविलेज है कि आप एक संख्या या भाज्य संख्या हैं कई जगह आप सुनते आए होंगे कि एक को प्राइम नंबर भी होता है सह अभाज्य टू प्राइम नंबर भी होता है दुई का अभाज्य तो क्या वो अभाज्य से मिलती जुलती हैं या नाम का ही अभाज्य सह अभाज्य मतलब अभाज्य आ रहा है तो वो नाम की ही है उसके बारे में भी चर्चा करते बिल्कुल करेंगे और अभी जी जो आपको समझाना चाहता हूं वो अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाना चाहता हूं कभी भी कोई आपसे पूछे तो केवल एक ही डेफिनेशन बताना ओनली टू फैक्टर यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसके केवल जिसके केवल दो गुणनखंड हो केवल दो गुणनखंड कोई आपसे पूछे कि भैया क्या है केवल दो ही गुणनखंड हो बस यही डेफिनेशन पे खत्म हो गया मामला अब आपसे कोई पूछ रहा है दो गुणनखंड कौन से तो वो भी बेवकूफी है हाँ, क्योंकि अगर दो गुणनखंड आपने बोल दिए तो वो दो गुणनखंड क्या होते हैं एक होता है और खुद सेल्फ होती है संख्या तो अगर आपसे आपने बस इतना बोल दिया ना कि अगर किसी संख्या के दो फैक्टर हैं तो वो आपकी प्राइम नंबर है तो वहां काम खत्म तो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे एक तो एक, ए, एक होगा और एक आपका होगा इट यानी कि वह खुद यानी कि पूरी नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर की डेफिनेशन को इस तीन शब्दों में आप खत्म कर सकते हो ठीक है हाँ ठीक है हाँ परिमल नाम से बच्चा बेटा परिमल वाईफाई की तो कोई ऐप ही नहीं थी हाँ कोई ऐप ही नहीं थी है ना एप्लीकेशन तो अपनी है और बहुत अच्छे तरह से काम किया जा रहा है उस पर हाँ बात वही है बस सोच और समझ का फर्क है आइए एक इट सेल्फ वन और इट्स सेल्फ ठीक है चलिए सर प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करना चाहें प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करना चाहें और क्या जानकारी हमें मिल सकती है मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली सम अभाज्य संख्या कौन सी है पहली सम अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या फर्स्ट इवन प्राइम नंबर फर्स्ट इवन प्राइम नंबर और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये मैं क्यों लिखा रहा हूं केवल और केवल थोड़ी सी स्टार्ट देने के लिए केवल स्टार्ट देने के लिए स्टार्ट क्या होता है जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि इकलौती केवल और केवल सम अभाज्य संख्या दो है उसके बाद कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या है ही नहीं जो सम हो सिवाय दो के दो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है दो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है ठीक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो ही है एक अभाज्य संख्या नहीं है एक अभाज्य संख्या नहीं है ना ही भाज्य संख्या है हाँ, तो अब आप ये सोचते होंगे कि यार एक क्या है हाँ तो एक कुछ भी नहीं है ना तो वो आप लोगों के लिए अभाज्य संख्या है ना तो आपका प्राइम नंबर है वो और ना ही वो आपका कॉम्पोजिट नंबर है नहीं है तो नहीं है बेचारा तो एक कहीं का नहीं है समझे बात एक कहीं का नहीं है बेचारा ठीक है हाँ। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करेंगे तो तीन है सबसे छोटी विषम संख्या की बात करेंगे वो है तीन अब आप लोगों को मेजर क्या प्रश्न पूछा जाएगा उस पर आते हैं सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि एक से सौ तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं और कौन कौन सी होती हैं तो सबसे पहले एक साथ सभी छात्र यहां से जो मैं चीजें सिखा रहा हूं गारंटी बोलता हूं कि नंबर पक्के कर दूंगा एक से सौ तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं एक से सौ तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब आप बताइए फिर हम काउंटिंग करेंगे फिर हम उनके बारे में और चर्चा करेंगे फिर ये जानेंगे कि पहचानते कैसे हैं कि प्राइम नंबर कौन सी है कौन सी नहीं है हर चीज कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूं एक से सौ तक में सबसे पहले दो से शुरू करा दो होती है तीन होती है पांच होती है सात होती है आपके डाउट जो होंगे वो मैं लास्ट में लूंगा लास्ट में मतलब लिखने के बाद में कि आपको लगता है कि यार ये होनी चाहिए और मैं बोलूंगा यार ये नहीं, नहीं है तो हम उसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे पहले मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेवीस उन्तीस इकतीस सैतीस इकतालीस तैंतालीस सैंतालीस तरेपन फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन सिक्सटी सिक्सटी सेवन सेवनटी वन सेवनटी वन सेवनटी थ्री सेवनटी नाइन एट्टी थ्री एटी नाइन नाइंटी सेवन डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस एक से सौ तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं एक से सौ तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं पच्चीस प्राइम नंबर आपके लिए होती हैं ये बात आपको पहले क्लैरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन यही आता है कि सर एक से सौ तक प्राइम नंबर बता दो नहीं क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है क्योंकि अगर आप प्राइम नंबर के को सॉल्व करना चाहते हो तो आप सभी लोगों को प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्योंकि इसका कोई नहीं है जी बिल्कुल अब किसी को डाउट है कि भाई कोई संख्या होनी चाहिए थी गोलू कह रहा है सर नाइनटी थ्री गोलू नाइनटी थ्री तीन से जा रहा है अगर उस संख्या के टुकड़े ही हो रहे हैं तो दो से ज्यादा फैक्टर ले जाएगी वो और दो से ज्यादा फैक्टर होते ही वो प्राइम नंबर नहीं होगी ठीक है मेरे दोस्तों तो आप लोगों के लिए जो वो है प्राइम नंबर नहीं है तो टोटल अभी ये एक से लेकर सौ तक की पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं सर इसको भी सेग्रीगेट कर सकते हो मैं बिल्कुल हर चीज को बताऊंगा जैसे कि मैं कल को आपसे पूछना चाहता हूं कि एक से लेकर पच्चीस तक की प्राइम नंबर कितनी है एक से लेकर पच्चीस तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है पच्चीस से लेकर पचास तक की कितनी है पच्चीस से लेकर पचास तक की कितनी है सर ये काम आता है सब काम आएगा सब कुछ काम आएगा पचास से लेकर पचहत्तर तक की कितनी है अब ये सामने के सामने तो देखने में भी आपको आसानी लगेगी और पिछहत्तर से सौ की कितनी है और जो भी मैं लिखा रहा हूं ना दोस्तों उसे प्लीज है ना मतलब पढ़ना है हाँ दिमाग में रख सकते हो अच्छी बात है एक से लेकर पच्चीस तक की कितनी होती है दो बच्ची से लेकर पचास तक की कितनी होती है तो सर एक से पच्चीस तक की काउंट करवा दें आप मैं करवा देता हूं लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक से पच्चीस तक की नौ हो रही है पच्चीस से पचास तक।, आ, एक, छे। छे से तक एक दो तीन चार पाँच छ छ हो रही हैं और पचास से पचहत्तर तक एक दो तीन चार पाँच छ छ चार तो कुल मिलाकर पच्चीस हो गई कुल मिलाकर सर एटी सेवन भी ऐड करो सर प्राइम नंबर में एट्टी सेवन बेटा एटी सेवन इसलिए नहीं है दोस्त क्योंकि एटी सेवन के टुकड़े हो जाते हैं ना उनतीस या सत्तासी होता है बाकी है ना क्लियर हो गया होगा अगर अभी भी आप एटी सेवन को एड करवाना चाहते हो तो हम एटी सेवन से बात करके देखेंगे और अगर वो मान जाता है तो ठीक है बाकी नियम अनुसार एटी सेवन नहीं है क्योंकि उसके ऑलरेडी टुकड़े हो गए तीन फैक्टर तो दिख ही रहे हैं साफ साफ एक तो एक है एक तीन है और एक उनतीस है और एक एटी सेवन खुद है तो चार फैक्टर आपके हो गए ठीक है इसलिए एटी सेवन नहीं होगा हाँ जो भी डाउट है पूछ सकते हो आप ऐसी ही तो होता है भाई ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हम उसके लिए ही हैं परेशानी को दूर करने के लिए ठीक है भैया चलिए तो यहाँ तक कोई समस्या आई थिंक मुझे नज़र नहीं आ रही है और आपको भी नहीं आनी चाहिए चलो चलो भैया अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें और हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्राइम नंबर और होती हैं किस किस तरह से इन्हें समझ सकते हैं और पहचानेंगे कैसे कि कौन सी प्राइम है और कौन सी नहीं है आइए क्या 101 आपकी प्राइम नंबर है क्या 103 आपकी प्राइम नंबर है क्या 105 आपकी प्राइम नंबर है क्या 107 आपका प्राइम नंबर है क्या 109 आपका प्राइम नंबर है क्या 111 आपका प्राइम नंबर है क्या 113 आपका प्राइम नंबर है सर ये क्यों लिखा रहे हो आप मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि कल को ये चीजें भी आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है ये चीजें भी आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए और पता होगा तो ज्यादा मेरे को भी अच्छा लगेगा ठीक है आइए तो आपसे ये कह दूंगा कि भाई 101 एक आपका प्राइम नंबर होता है या माने की माने की किसी के दो मतलब दो से अधिक फैक्टर नहीं होंगे दो ही फैक्टर होंगे केवल ये भी आपका प्राइम नंबर ही है आ, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है कॉम्पोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या जिसके टुकड़े ज्यादा हो जाए ना एक सौ पांच तो जा रहा है पांच से भी जा रहा है इक्कीस से भी जा रहा है तीन से भी जा रहा है एक सौ सात यह आपका एक प्राइम नंबर है एक सौ सात भी आपका प्राइम नंबर है एक सौ नौ भी आपका प्राइम नंबर है लेकिन ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है कॉम्पोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या क्या बोलते हैं भाज्य संख्या तो 111 तो जा रहा है ना तीन से जा रहा है सैतीस से जा रहा है एक सौ तेरह भी आपका प्राइम नंबर है सर क्या है? ये जानकारी हमें होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि इस जानकारी के ऊपर आपका रेलवे सब प्रश्न पूछते हैं ठीक है हाँ तो ये दो कॉम्पोजिट नंबर है केवल एक से ले सौ से लेकर या कह सकते हैं एक सौ एक से लेकर एक सौ तेरह तक में लगातार प्राइम नंबर है एक दो तीन चार पांच प्राइम नंबर हो गए एक तरीके से ठीक है, 117 भी नहीं ले सकते तो जो जो जिन जो जो आपके पास करंट इंफॉर्मेशन है उसके आप दिमाग में रखें ठीक है सर और बताइए कुछ अच्छा सा आइए चलते हैं। अच्छा बताइए टू डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है दो अंकों की सबसे बड़ी लार्जेस्ट uh, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है टू डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर पहला क्वेश्चन फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं थ्री डिजिट तीन अंकों की सबसे छोटी भी पूछ लेता हूं अब समझ में आ जाएगी आपको कि मैंने क्यों लिखवाया तीन अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है और एक यह भी पूछ लेता हूं तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है लार्जेस्ट प्राइम नंबर और जब मैं ये पूछ ही रहा हूं तो मैं ये भी पूछ लेता हूं आपसे कि चार अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सब कुछ सिखा दूंगा और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा जानकर और इससे बाहर जाएंगे नहीं ना तभी तो इसलिए मेहनत कराई जा रही है आपके लिए सो so, आप में से सभी छात्र जो समझदार से लग रहे हैं वो आंसर दे देंगे कि सर दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है 97 दो अंकों की सबसे बड़ी है 97 तीन अंकों की सबसे छोटी जो है वो हो जाएगी सर जी 101 तीन अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 997. और चार अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर आप बता सकते हो क्या कोई बात नहीं नहीं पता है तो चार अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है एक हजार नौ सबसे अच्छी बात है कि चार अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है एक हजार नौ सबसे छोटी क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि एक हजार एक तो आप एक हजार एक के टुकड़े करना जानते हो आपको लगता होगा एक हजार तीन आपको लगता होगा एक हजार सात आपको लगता होगा एक हजार नौ तो यहां जाके मिलता है हमें प्राइम नंबर बाकी के सारे के सारे आपके क्या है? हैं कॉम्पोजिट हैं ये अच्छी बात समझा दी मैंने आपको भाई ये ऐसी चीजें जो आपको जनरली कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि इतना डेटा कलेक्ट करना बहुत उपयोगी होता है और वो एक्सपीरियंस के साथ आता है ऐसे चलते फिरते कोई ये डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता और ये डेटा काम का है एक हजार और ये उन्नीस का मल्टीपल है उन्नीस इंटू तो ये सारे टुकड़े हो रहे हैं इसका कोई फैक्टर नहीं है इसलिए चार अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी एक हजार नौ है सर एक सौ एक नहीं होगा सर सर में 37 भाग जा रहा है एक सौ एक नहीं होगा इसमें 37 का भाग जा रहा है दिल हम तो कमजोर आदमी है यार इस मामले में हमने कोई हिसाब किताब सीखा ही नहीं 101 में 37 का भाग दे रहे हो मैं उसके लिए आपका सादर प्रणाम करता हूं मतलब मैं दंडवत प्रणाम करता हूं तुम्हें अब यही तो बात है ना ऐसे बच्चे इतिहास रचते हैं भगवान ने भगवान ने बढ़िया किया कि आप लोगों को उतनी ही बुद्धि दी है कि आप सोच पा रहे हो कि एक सौ एक सैंतीस से जा रहा है बताओ यार ठीक है क्या बात हो यार है प्रणाम ले ले भाई मेरा बस क्योंकि बताओ आप इनको तो एक सौ एक सैंतीस से भाग तो दे के दिखा दे भाई मेरे को चला जाए तो मेरे को बता देना सैंतीस के पहाड़े में कहां बजा रहा है ठीक है भाई तो यहां क्लियर हो गई बात ये सारी चीजें समझ में आ गई ओके ग्रेट सो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई प्राइम नंबर होती क्या है कैसे चलती हैं क्या होता है अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा हालांकि इतना आपके काम का नहीं है लेकिन जहां तक काम का है लगभग 300 तक तो आपके काम का है लेकिन फिर भी मेरी शौक है और मैं अपने शौक के हिसाब से काम करता हूं कि एक हर बच्चे को इंफॉर्मेशन पूरी चली जाए ज्यादा बेटर है एक से सौ तक पच्चीस प्राइम नंबर होती हैं एक सौ एक से दो सौ तक इक्कीस होती हैं दो सौ से एक से तीन सौ सो तक सोलह होती हैं अगर मैं पूछूं भाई एक से दो सौ तक कितनी होंगी तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो छियालीस होंगी तो आप ऐसे यहां तक जोड़ सकते हो कल को यह पूछा जा सकता है कि एक से लेकर एक हजार तक एक बात याद रखना कि प्राइम नंबर पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल मतलब समझते हो कि आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि क्या आप जिंदगी में कभी भी इन चीजों को फॉर्मूले से निकाल सकते हो आंसर होगा नहीं निकाल सकते कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है आंसर होगा नहीं हो सकती है तो सर फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक से लेकर एक हजार तक कितनी प्राइम नंबर होती है तो आंसर आएगा एक सौ अड़सठ प्राइम नंबर होती हैं कैसे कैसे होती हैं सब लोग सबको मैंने कर रखा है सो सर क्या हमें ये याद रखना है नहीं याद नहीं रखना बट आंखों से देखने में कुछ नहीं जा रहा तो जब मैं इसकी फाइल आपको दूंगा तो एक बार है ना आप इनको आंखों से देख लो यार कि उनचास भी होता है एक भी होता है एक सौ सैंतीस भी होता है प्राइम नंबर एक सौ इकतीस भी होता है एक सौ इक्कीस भी होता है एक सौ तेरह होता है एक सौ नौ होता है दो सौ ग्यारह होता है दो सौ तेईस दो सौ सत्ताईस दो सौ उनतीस तो देखो ऐसे आप आंखों से देख लो बाकी और कुछ नहीं करना याद नहीं करना फैक्चुअल डेटा है कि भैया एक से लेकर एक हजार तक एक सौ अड़सठ प्राइम नंबर आपकी होती है ठीक है भाई चलिए ओके <coughs> okay. अब मैं बात करता हूं कि जितनी भी लिस्ट लिस्ट ऑल द मिरर प्राइम नंबर्स लेस देन वन हंड्रेड सौ के अंदर अंदर बेसिकली हम सौ के अंदर अंदर ही बात कर रहे हैं आप मिरर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं क्या आप लोगों को नॉलेज है कि आप मिरर प्राइम नंबर के बारे में बात करवा रहे हो मिरर प्राइम नंबर कहते किसको हैं? सर जी मिरर प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनकी शकल के आगे कांच लगा दिया जाए तो वो मिरर बन जाता है और वो भी आपस में प्राइम नंबर होते हैं सत्रह इकहत्तर इकतीस वो हो तो हो ही गया सैतीस तिहत्तर सेवनटी नाइन और नाइनटी सेवन तो अल्टीमेटली अगर पूछा जाए तो कितने पेयर हैं मिरर प्राइम नंबर के चार पेयर हैं संख्याएं कितनी है आठ संख्याएं हैं सर ग्यारह भी तो है लेकिन ग्यारह को अलग रखा जाता है क्योंकि पता नहीं चलेगा ना ग्यारह में कि वो सेम है कि अलग है इसलिए ग्यारह को अलग रखा जाता है अगर बोल बोल ही रहा है कि भाई आप दोनों ए और बी बराबर भी हो सकते हैं तो आप ग्यारह को इंक्लूड करना अदरवाइज अगर आपसे पूछे कि भाई ए और बी ए और बी दो अंक हैं ये दोनों डिजिट हैं ए और बी आपके डिजिट हैं ए विल बी नॉट इक्वल टू बी तो आप ग्यारह को लेना ही मत ऐसा बोलता है तो आप इनके सम बताइए तो सम इनका क्या होता है इस वाले का सम निकाला है मैंने योग चार होता है मैं फिर आपसे कहता हूं कि हमेशा फैक्चुअल डेटा आपको पूछा जाएगा जो कि डायरेक्ट आपके सामने आने वाला है हाँ ऐसे कभी नहीं होगा कि आप लोग को बोल दिया जाए बेटा कैलकुलेशन करते जाओ नहीं ठीक है चलिए सर अठारह नहीं होगा सर परिमल नहीं अठारह कहां से हो जाएगा बेटा <laughs> चलिए ओके संख्या आठ होती है ग्यारह को अगर ए और बी बराबर बोल देगा तो ही कंसिडर करेंगे अदरवाइज करेंगे ही नहीं है ना हाँ, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो हमने जो ये सम निकाला है वो इनका निकाला है ग्यारह को हटा दिया है लेकिन ग्यारह होती है है ना चलिए ओके सो अब आते हैं आगे प्राइम नंबर की पहचान कैसे होती है प्राइम नंबर की पहचान स्टेप नंबर वन स्क्वायर रूट का ज्ञान होना चाहिए आपको स्क्वायर रूट का ज्ञान होना चाहिए स्टेप नंबर टू डिविजिबिलिटी रूल की नॉलेज ये अगर दोनों चेक पॉइंट्स हैं तो ही आप किसी प्राइम नंबर के पहचान कर सकते हो अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो ठीक है दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए समझ में आ गए कि प्राइम नंबर की अगर पहचान करनी है तो आपको ये दो पॉइंटों से होकर गुजरना पड़ेगा एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है पेपर में सर वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा बट मेरा एग्जाम्पल आप लिखिए क्या फोर थर्टी सेवन एक अभाज्य संख्या है एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा अभी आप खुद करना पहले ये मैं समझाऊंगा मैं लिख रहा हूं इज फोर थर्टी सेवन इज ए प्राइम नंबर तो स्टेप स्टेप नंबर वन पहले मैं सिखाता हूं फिर आपको समझाता हूँ ठीक है फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा स्टेप नंबर वन कहता है कि चार सौ के वर्गमूल के आसपास जा सकते हो मैं चार सौ सैंतीस के वर्गमूल के पास सोचता हूं कि सर इक्कीस का होता है चार सौ इकतालीस तो मैंने यह देखा कि सर लमसम ये इक्कीस के आसपास आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना होता है कि जिसके आसपास ये वर्गमूल आ रहा है उससे छोटी उससे छोटी सभी प्राइम नंबर्स लिखो प्राइम नंबर लिखो इससे छोटी सभी प्राइम नंबर लिखो तो कौन कौन सी है दो है तीन है पांच है सात है ग्यारह है तेरह है उन्नीस है एग्री करते हो यही सारी प्राइम नंबर हो जाएंगी जो कि इक्कीस से छोटी है इक्कीस इसके वर्गमूल के आसपास की स्थिति को बता रहा है तो अब आप चार सौ अब आप चार सौ सैतीस को अखाड़े में उतार दो अखाड़े में उतार दिया सर दो से 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 जाएगा जाएगा नहीं तीन से जाएगा? साथ साथ 14, नहीं तीन भाजकता सात सात और पांच तो जा ही नहीं सकता सात से देखो नहीं जा रहा ग्यारह से जा रहा है ग्यारह में से तीन गया तो नहीं जा रहा तेरह से जा रहा है तेरह तिया उनतालीस और क्या नाम भैया बचे चार नहीं जा रहा अब उन्नीस से जा रहा है उन्नीस दुनिया अड़तीस उन्नीस सत्तावन यस नाइनटीन से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर है तो आंसर आएगा नहीं है प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है तो आंसर आएगा कि नहीं है प्राइम नंबर नहीं है पहचान हो गई ओह सॉरी सत्रह तो रह गया। चलो सत्रह गया, तो उन्नीस से तो रहा था। ठीक है तो प्राइम नंबर नहीं है ठीक है चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूं वो आप लोगों को समझना है ठीक है आप लोगों को करना है एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या तीन सौ इकतीस एक, एक प्राइम नंबर है क्या तीन सौ इकतीस एक, एक प्राइम नंबर है चेक करिए देवीदास फाउंडेशन सुबह नौ बजे चलता है आप लोगों को ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू करनी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज आपके पास वहां रिकॉर्डेड मिलेंगी आज से आप लोगे तो आज से एक साल मिलेगा तो बहुत बहुत अच्छा कंटेंट आप अच्छे से कवर कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये फायदा है उस बैच का तो हर बच्चे को ज्वाइन करना है क्वालिटी एजुकेशन के लिए हाँ ये जिस तरह से मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह का मतलब इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल वहां रखा गया है कुछ जरूरत नहीं है चांद अगर आपने फाउंडेशन ले रखा है तो उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे सारे बहुत टाइप कवर कर रखे हैं उसमें आप खुद महसूस हो रहा होगा ये फाउंडेशन में जो लेवल लिया है जैसे प्राइम नंबर मैंने अभी नंबर सिस्टम में पढ़ाया था वहां थोड़ा सा और ऊपर है ये भी फिर भी हल्का हल्का हम लेके चल रहे हैं ठीक है थीके? तो आप उस तरह से आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या क्वालिटी हमें हमारे द्वारा वहां दी जाती है मतलब मेरे द्वारा तीन सौ इकतीस तीन सौ इकतीस के आसपास की अगर मैं बात करूं तो थ्री सिक्सटी नाइन होता है उन्नीस का सत्रह अट्ठारह 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 के आसपास तो अट्ठारह तक जाना है दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह बस उन्नीस लेना ही नहीं है तो 331 में चेक करता हूँ क्या दो से जाएगा देखो फटाफट चेक हो जाता है तीन से जाएगा नहीं पांच से जाएगा नहीं सात से जाएगा तो मैंने देखा सर सात चौके अट्ठाईस और पांच नहीं ग्यारह से भी नहीं जा रहा तेरह से जाएगा तेरह दोनी छब्बीस छब्बीस और सात नहीं सत्रह से जाएगा सत्रह एकम सत्रह और बचे कितने स्... हाँ सत्रह से जा सकता है क्या नहीं सत्रह से भी नहीं जा रहा भाई तो किसी से भी नहीं जा रहा तो तीन तीन सौ इकतीस प्राइम नंबर है तीन सौ इकतीस प्राइम नंबर है चाहिए नहीं रहा सर बुक बता दो मैथ की अमन बुक की कोई जरूरत ही नहीं है हाँ जो चीजें आपको रे, रेगुलर प्रैक्टिस में मिल रही हैं वो सफिशियंट है क्योंकि आप उतनी भी प्रैक्टिस बुक से नहीं कर पाओगे मैंने बच्चों को बुक खरीदते हुए देखा भी है मेरी खुद की बुक्स चल रही हैं बट मैं रिकमेंड तभी करूंगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बुक को बगल में रखने से वो अपने आप नहीं पढ़ी जाती है और ये रियलिटी है आपके पास अगर चार बुक भी आपके बुक शेल्फ में पड़ी हुई है तो वो पड़ी हुई होंगी वो आप उठाते भी नहीं हो दिन भर में ये रियलिटी बता रहा हूं बच्चे की तो सर क्या करें फिर हम बेटा जो रेगुलर क्लासेस आप ले रहे हो उनकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करो वही आजकल का कहते डिमांड है ठीक है ओके आइए तो अब आ गया एक क्वेश्चन और देता हूं फिर एक एग्जाम्पल के बाद फिर हम आगे एक और क्वेश्चन अपने वाले करेंगे ठीक है एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिया क्या पांच 551 फिफ्टी वन इज ए प्राइम नंबर 551 फिफ्टी वन इज ए प्राइम नंबर और नॉट बेटा नेगेटिव मार्किंग एक बटे चार ही है चूना क्यों लगवाया भाई तुमने है ना शिव जांगड़ क्यों चूना लगवाया जब हम कहते हैं कि भाई चीज़ें सुधरा जाओ सर एल के लिए हाँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा चिंता मत करो चेक करो सर पाँच सौ इक्यावन का हमने अंडर रूट ले लिया पाँच सौ इक्यावन का हमने अंडर रूट ले लिया पाँच सौ इक्यावन का अगर हम मानते हैं कि भैया उसका जो बेस है वो क्या है सो बेसिकली पाँच सौ इक्यावन किसके आसपास हो जाएगा सर जी पाँच सौ उनतीस होता है तेईस का चौबीस का पाँच सौ छिहत्तर हाँ तेईस के आसपास तो मैं ये लेता हूं दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस और तेईस अब एक एक करके चेक कर लो दो से नहीं जाएगा तीन से नहीं जा रहा पाँच से नहीं जा रहा सात से नहीं जा रहा ग्यारह से नहीं जा रहा अब मेरे को ये पता है तुरंत मैं चेक कर रहा हूँ ग्यारह से तेरह से जा रहा है क्या यहाँ मैं देखूंगा देखो तेरह तीन, उनतालीस तेरह चौके बावन नहीं जा रहा सत्रह से जा रहा सत्रह ती इक्यावन और बचे कितने बचे चार नहीं जा रहा सत्रह से भी उन्नीस से जा रहा है क्या उन्नीस धोनी अड़तीस बचे सत्रह एक सौ इकहत्तर है उन्नीस अड़तीस बच्चे सत्रह एक सौ इकहत्तर उन्नीस नंबर एक, एक सौ हाँ उन्नीस से जा रहा है भाई उन्नीस से जा रहा है प्राइम नंबर है तो आपका जवाब आएगा नहीं है प्राइम नंबर नहीं है तो आप लोगों को निकालना आ गया क्या ठीक है एज आज, एजवाइल कह रहा है एजवाइल आपकी जो एप्लीकेशन की क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे चलती है ना पता है ये नॉर्मल सा नियम है ठीक है हाँ तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा कर रखें हर बार पूछने से या बात करने से कुछ नहीं होगा जो रूल्स इज रूल्स ठीक है आइए सो अभी हमने आपको प्राइम नंबर पहचानना सिखाया हमने आपको मिरर प्राइम नंबर बताए हमने आपको प्राइम नंबर कितने कितने होते हैं ये बता दिया आपको ठीक है हमने आपको हर प्राइम नंबर के क्वेश्चंस के बारे में भी बता दिया सो so, अब मुझे लगता है कि अब आप रेडी हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके पेपर में उनका जवाब देने के लिए तो एक बार आप थम्सअप कर दीजिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ठीक है आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ऐसा पूछा गया था आपके रेलवे में हाँ रेलवे में कैसे प्रश्न आए हैं वो मुझे जरूर कराने हैं आपको जिससे कि आपको अंदाज लग जाए कि यार इसके क्वेश्चन तो आने ही हैं अब पहली छह अभाज्य संख्याओं का योग क्योंकि कोई ट्रिक नहीं होती पहली छह अभाज्य संख्या यानी कि दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह दस ग्यारह ग्यारह और आठ उन्नीस और दो इक्कीस तीन चार फोर्टी वन तो पहली छह अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है औसत भी पूछ सकता है उसकी मर्जी है निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्य है मैंने अब आपको समझाया भी था कि यहाँ सह अभाज्य बोला जाए तो प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं होता इसका सह अभाज्य वो युग्म होते हैं जिनका एस सी एफ एक होना चाहिए ऐसा जिनका एस सी एफ एक हो एस सी एफ मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें एक है बाकी सब में अलग अलग है तो आपका जो आंसर होगा वो सी होने वाला है को प्राइम के लिए 200 से कम सबसे 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है अब ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक बार आप इस चार्ट को भी रिव्यू कर ले रिव्यू करने से क्या होगा कि आपको ये लास्ट वाली तो कम से कम याद रखें कि भाई इसमें एक सौ निन्यानवे होती है इसमें दो सौ तिरानवे इसमें इस तीन सौ सत्तानवे इसमें इस चार सौ निन्यानवे इसमें पांच सौ निन्यानवे इसमें छह सौ इकानवे तो ये अंदाज आपको रहेगा तो आपको पता लगेगा तो तीन अंकों की तो नाइन नाइन सेवन होती है ये हमें पता है लार्जेस्ट इसी तरह से 200 तक की पूछी गई है तो एक सौ रहेगी तो 199 आप आंसर दे सकते हैं 200 से कम 199 अब जो 197 देते हैं वो गलत देते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने रट रखा है कि अगर टू डिजिट की मैक्सिमम पूछे कोई टू डिजिट की मैक्सिमम पूछे तो वो आंसर है 97 कोई थ्री डिजिट की मैक्सिमम पूछे तो आपका जो आंसर हो जाता है नाइन <laughs> तो भाई का अगर कोई दो सौ तक पूछे तो वन नाइन सेवन होना किसने बोला तुमको तो इसलिए आप लोगों की क्या है सीट्टी पिट्टी गुम हो जाती है फिर गलती हो जाती है आपसे इसलिए बोला था मैं आपको ध्यान रखा करो ठीक है अगला करो निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है आप खुद सोचो और पहचानो जिसके टुकड़े आपको समझ में आते हैं वो ठीक है जिसके नहीं आते हैं वो करना पड़ेगा सॉल्व अब यहां क्या आ रहा है विशाल अभी तो रिविजन होगा ये फर्स्ट रिविजन है अभी तो लास्ट में किताब भी करवाऊंगा सोल्व हाँ तो वो सब चीज चलती रहेगी यार वो मेरे ऊपर छोड़ो ना यार अब ट्रस्ट किया है तो फिर एंड तक चलना है हमें कोई छोड़ना थोड़ी है बीच में यहां देखिए ग्यारह का हो गया नहीं होगा प्राइम ग्यारह से नहीं होगा ये नौ से ये भी नहीं है प्राइम नंबर केवल एक लौती है अब आप अगर नहीं वाली पहचान लेते हो तो होने वाली तो अपने आप निकल के आ जाएगी भाई अब देखो निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या है तो संख्या में ऐसे पहचान सकता हूं कि भाई ये ग्यारह का गुणज है ग्यारह गुणा तेरह जितनी मेरे को नॉलेज है ये तीन से जा रहा है कि तीन से चला जाएगा नौ से चला जाएगा और बताओ सर आठ और चार बारह ये भी तीन से जा रहा है तो यही है कि वन थर्टी सेवन आपकी प्राइम नंबर हो जाएगी ठीक है अब देखो आर एन नाम से इतना बेवकूफ लड़की है लड़का पता नहीं है इस लड़के या लड़की को आर एन नाम से जो है इसको पता है कि ये सैटरडे संडे शॉर्ट वीडियो आती है रेगुलर अपनी एक्सप्रेस बैच और कैच द मैच चलता है बट पता नहीं क्यों दिखाना चाहते हैं बच्चे कि यार हम तो सर ऐसे ही पूछ रहे हैं बस मजे में मजे में नहीं भाई रेगुलर जो क्लासेस हैं आपको पता है कब चलती हैं रेगुलर क्लासेस आपकी सुबह ग्यारह बजे चलती है दोपहर में तीन बजे चलती है है ना जो यूट्यूब पे चलती हैं आइए निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है सर पहचानेंगे आप देखो सोच समझ के 123 तो चर चला गया तीन से देखती जो, जो है ना वो पता ये ग्यारह से जा रहा है 213 और एक की लड़ाई है अब इन दोनों में से कोई एक जीतेगा जंग मेरे को दोनों के बारे में नॉलेज नहीं है अब मैं 213 पे आ गया 213 का मैंने क्या किया अंडर रूट ले लिया अंडर रूट लेकर मैंने देखा कि सर जी ये करीबन आ जाएगा अपने चौदह या पंद्रह के पास 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 तो चौदह के लिए मैंने देखा सर दो तीन पाँच सात ग्यारह और तेरह दो से जा रहा है नहीं तीन से जा रहा है हाँ जा तो रहा है तीन से यार ओ मैं तो चेक ही नहीं कर रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये भी तीन से जा रहा है ठीक है नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है अब जिनको नॉलेज है तीन सौ तैतालीस सात से चली जाती है ये नहीं होगा दो सौ तीन से चली जाती है ये भी नहीं होगा सात और तीन दस तेरह सात और तीन दस और सात सत्रह अब मुझे इस इन दोनों में से किसी एक को चेक करना है कर लेता हूँ मैंने ले लिया थ्री थ्री सेवन थ्री थ्री सेवन का अंडर रूट लिया मैंने या हम कह सकते हैं उन्नीस अट्ठारह 18 ठीक है तो दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह दो से दिया नहीं तीन से दिया नहीं पाँच से दिया नहीं सात से दिया सात चौके अट्ठाईस नहीं ग्यारह से नहीं तेरह दूनी छब्बीस तेरह दूनी छब्बीस छब्बीस सात नहीं सत्रह से सत्रह कम सत्रह अच्छे कितने सोलह नहीं तो ये तो किसी से नहीं जा रही दिस इज़ प्राइम नंबर थ्री थ्री सेवन इज़ द प्राइम नंबर तो इतनी जल्दी आप कर सकते हो बट आपको दो नॉलेज होनी चाहिए सर दो नॉलेज किस चीज की मैंने जो बताई थी दो नॉलेज स्क्वायर रूट का मान ज्ञान ज्ञान होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल की नॉलेज होनी चाहिए ठीक दोनों चीजों से आप आसानी से इन प्राइम नंबर्स को पहचान सकते हो और ये आए हुए क्वेश्चन है तो इसमें कोई आपको दोहराए नहीं रखनी है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है आप करो तो हर चीज आपको बताई जा रही है हर चीज समझाई जा रही है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है तो जो नहीं है वो हटाओ पहले भाई देखो सर ये पांच से चला जाएगा दिख रहा है ना तो ये नहीं होगा पांच और तीन आठ और एक नौ ये तीन से चला जाएगा खत्म तीन और तीन छो आठ और इन दोनों में लड़ाई है अब आप इनमें से किसी को चेक कर लो तो मैंने तीन सौ तेईस को चेक कर लिया छोटा है ना इसलिए क्योंकि अगर ये हो गया तो ये आंसर नहीं होगा ये आंसर हो जाएगा और ये ये अगर डिविजिबल हो गया तो फाइव फाइव सेवेंटी वन हो जाएगा तो दोनों तरफ में लड्डू हैं अपने हाथ में तो हमने देखा सर तीन सौ चौबीस के आसपास आ रहा है तो दो से देखना है तीन से देखना है पांच से देखना है सात से देखना है ग्यारह से देखना है तेरह से देखना है सत्रह से देखना है दो तो से नहीं है तीन से नहीं है चार पांच से नहीं है सात से है क्या सात चौके अट्ठाईस ये नहीं है ग्यारह से नहीं है तेरह तेरह दूनी छब्बीस छत ना सत्रह है सत्रह एकम सत्रह बच्चे कितने भैया हाँ सत्रह नंबर एक सौ तेरह सत्रह से जा रहा है तो तो जा रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है ये है प्राइम नंबर खेल हो रहा है क्या भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक बनता है नहीं लग रहा तो भाई छाती तो चीर के दिखा नहीं सकते तुम्हें कि तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं समझे बात मेरा बेटा एक ही बैच है वैभव उसी पे मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर अच्छा बच्चे को दे दिया ना कंटेंट तो बच्चा पेपर फोड़ेगा ही फोड़ेगा मेरा फाउंडेशन बैच जरूर लेना आप लोग सब जितने भी बच्चे हैं और जब समय से लो समय से पहले ले लोगे तो आप समय से पहले तैयार हो जाओगे पचपन से कम सभी अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी है पचपन से कम सर पच एक से पचास तक होती हैं पंद्रह फिर तरेपन हो जाएगी एक सोलह आंसर आ जाएगा एक से पचास तक होती हैं पंद्रह और एक तरेपन और आ जाएगी क्योंकि पचपन से पहले पूछा गया है सोलह कितनी अभाज्य संख्या पचास से कम है पंद्रह बस खेल खत्म तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं सेशन कैसा लगा बताइएगा टेस्ट सीरीज अगर चाहिए तो क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज अपनी अलग एप्लीकेशन है जहां पर रेलवे की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है आप ले सकते हैं आप लोगों के लिए हरीश एक्सप्रेस नौ बजे आकाश एक्सप्रेस दस बजे और साहिल एक्सप्रेस ग्यारह बजे एक्सप्रेस बैच में चल रहे हैं टॉपिक वाइज सेशन आप जुड़िए अगर आप मिक्स प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट टाइप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे वो भी अपनी चल रही है प्यारा कैच द मैथ टॉपर्स की पसंद है ये और आप लोग अगर बनना चाहते हैं तो इससे प्रैक्टिस आप जरूर करें तीन बजे छह बजे आपका कैच द रीजनिंग और दस बजे आपका कैच द साइंस मैथ भाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों के लिए एग्जाम कोई भी हो तैयारी सिर्फ एक आपको करनी है जो कि मेरे फाउंडेशन बेस से करनी है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता अगर आप फाउंडेशन के नाम पर मैं दुनिया में देख रहा हूं आजकल मैं काफी देखता हूं कि फाउंडेशन हर कोई लिख देता है बट फाउंडेशन लिखने से और पढ़ाने में बहुत फर्क है आप वो फर्क तभी समझ पाएंगे जब एक असली चीज से आप जानेंगे कि असली क्वालिटी क्या होती है आपको वीओडी मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी मिलेगी क्योंकि मेरा बैच ऐसा नहीं है कि हर महीने खत्म हो जाए और हर महीने बना दूं चार महीने में खत्म कर दूं बना दूं जो ये पैसा लिया जा रहा है ये सालों की मेहनत से लिया जा रहा है और यह भी कम है मतलब यह बहुत कम लगेगा जब ज्वाइन कर लोगे आपको लेकिन अभी ऑफर चल रहा है सिक्स नाइनटी नाइन का आप ज्वाइन करिए उसे आरपीएफ ए एल पी एन टीपीसी ग्रुप डी पैरामेडिकल जेई सबके लिए एक ही बैच है सर एस एस सी हम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा और बताइए आप जो पढ़ाया जा रहा है सिंप्लीफिकेशन से लेकर रेस तक तो अर्थमेटिक में मैंने पढ़ाया उसके बाद मैंने एडवांस में शुरू कर दी नंबर सिस्टम अभी मेरा लाइव चल रहा है लाइव मतलब सुबह नौ बजे चल रहा है और आप लोगों को एक साल की वैलिडिटी मिलेगी जैसे आप लोग जैसे आज से लोगे तो आज से एक साल तो समय बहुत है पढ़ने के लिए है। लेकिन अभी आप ज्वाइन नहीं करोगे तो पढ़ना कब शुरू करोगे सर हम तो पूरा कंप्लीट रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं ग्रुपडी फ्रुपडी एन टीपीएससी एनटीपीसी टीपीसी सबकी तो आपको मैं एक एक बैच छह एग्जाम क्लियर करवाऊंगा क्योंकि बार बार पैसा आपके पास भी नहीं है और हम बार बार मेहनत क्यों करें जब अच्छी मेहनत एक बार कर सकते हैं तो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन से आप जुड़िए जहां पर आप रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में आप मैथ रीजनिंग जीके जी है सबकी तैयारी आपको हो जाएगी आपकी ये भी आपको ऑफर प्राइस में अपनी एप्लीकेशन पर मिलेगा ठीक है हाँ साइंस का इंडिविजुअल बैच है रीजनिंग का इंडिविजुअल है जीके का इंडिविजुअल है कैसे लोगे पेड कोर्स में आपको जाना है उसके बाद में आपको आरआरबी बैच लेना है तो आरआरबी ले लेना मैथ फाउंडेशन लेना है तो मैथ फाउंडेशन अलग से भी ले सकते हो बाकी फाउंडेशन अलग से ले सकते हो कूपन यहाँ ऊपर मिल जाएगा आर में छः का ऑफर है और अपने मैथ फाउंडेशन में सौ का ऑफर है कूपन पे क्लिक करोगे तब ऑफर लगेगा ठीक है बढ़िया पढ़ाई करो सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं हमारे और बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर एप्लीकेशन पर जुड़िए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब मिलते हैं आपसे सुबह में ठीक है सर आर आर वी बैच सी बी टी वन ए एल पी से कंप्लीट होगा क्या हाँ सी बी टी वन से पहले कंप्लीट हो जाएगा वो हाँ फिर सी बी टी टू की तैयारी भी उसी में चलेगी प्रैक्टिस भी उसी में चलेगी फिर आपके लिए एम एन टी पी सी के क्वेश्चन करवाना भी उसी में शुरू कर देंगे तो कहते हैं ना कि कनेक्शन बनता चला जाएगा कंटेंट तो चलता रहेगा हमेशा कंटेंट में कभी कमी आएगी नहीं ये बात ध्यान रखना कंटेंट चलता रहेगा चलता रहेगा जैसे कोई भी जैसे मान लो चीज़ें बनती रहेंगी तो वहाँ पर डलती रहेंगी वो आने वाले समय में भी क्योंकि तो लॉन्ग टर्म पीरियड के साथ बच्चों को कनेक्शन रखना है तो बच्चों को कंटेंट चाहिए होता है बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है बच्चा मेहनत कर सकता है बस ठीक है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए राज यादव इस पर वीडियो हम बना देंगे जल्दी ही आपके लिए ठीक है ट्राइंगल एंड देयर सेंटर्स ओके ओके टेक केयर लव यू